ईयर 24x7 में आपका स्वागत है। मैं सपना शहर बीदर में ज्ञानसुधा स्कूल के 8 क्लास के विद्यार्थी को स्कूल के डायरेक्टर जिनका नाम मुनीश बताया जा रहा है, बुरी तरह से मारा पीटा जिसकी वजह से विद्यार्थी के पैर में फ्रैक्चर हुआ। शायद विद्यार्थी की जो भी गलती रही हो, लेकिन क्या इस तरह से बुरी तरह मारना एक टीचर को स्कूल के डायरेक्टर को शोभा देता है? इस केस को चौबारा पुलिस स्टेशन बीदर में दर्ज कर लिया गया। बीदर से संवाददाता अमजद पाशा की रिपोर्ट। इंसाफ चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जिसने मारा है उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको कानूनी घेर लीजिए, एक्शन लेना बोल के हम लोग FIR दर्ज करें। अभी कुछ मैसेज ये देना चाहेंगे आपके? हाँ। इस स्कूल के जो विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ते हैं तो वो भी खतरे में लगते हैं आपको? हाँ सर। तो नए जो एडमिशन आएंगे तो क्या करना चाहिए, दुरुस्त रहेगा पेरेंट्स के लिए? नहीं सर, जो बच्चों को मारता है उनके पेरेंट्स आके इमिडिएटली एक्शन लेना चाहिए सर। हमारे बच्चों को मारे, TC ले गए बोले तो वो वहीं का ख़त्म नहीं होता ना सर। आज मेरे बच्चों को मारे, कल ऐसे बच्चों बोन फ्रैक्चर हुआ सर, इस तरह मारते क्या बच्चों आपके को? पास मेडिकली रिपोर्ट है? हाँ सर, FIR की कॉपी भी है। हाँ सर जी। तो अभी केस कोर्ट में जाएगा? हाँ जाएगा सर। तो आखिरी बार फिर से क्या इंसाफ चाहेंगे, क्या सजा की उम्मीद करेंगे आप, क्या होना चाहिए? कानूनी सजा होना चाहिए उसको सर। कानूनी सजा होना चाहिए, जो भी कानूनी सजा हो उससे संतुष्ट होंगे? हाँ सर, सजा बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ सर, क्योंकि सर अभी पैर पूरा बोन पूरा मारे तक नहीं छोड़ रहे। स्कूल मैनेजमेंट से जब बात हुई आपकी, अभी क्या है इरादा उनका, क्या करें लोगों, क्या गलती को मानने के लिए तैयार है मैनेजमेंट? नहीं सर। क्या बोल रहे फिर वो? क्या हम सुधारने के लिए मारे करते सर, बिना आपको पूछना चाहिए था सुधारने के लिए? हाँ, क्या मारता है बोलते, बाई मिस्टेक हो गया बोलते सर, बाई मिस्टेक कोई इतना ऐसे मारता है जंगली की तरह सर बच्चों को। ये भी पूछ सकते थे कि स्टिक लगा ही नहीं है स्कूल में? हाँ सर, स्टिक से मारा गया इनको? हाँ सर, तो बड़ा सा मोटा सा डंडा है, आयरन रॉड है या फिर स्टिक है? लकड़ी का ही मोटा सा डंडा है। हाँ, अभी सर आके पूछने से नहीं दे रहे सर, कहाँ है नहीं है कुछ भी बोल रहे सर। सर ने वार्निंग किया, जो जिससे मारा वो सीधी तरह से लाके दीजिए हमें, नहीं तो। हाँ सर, PSI सर, पुलिस की भी वार्निंग मिल चुकी है। हाँ, मिल चुकी। अभी है। जो टीचर ने मारा है इनको, उनका क्या है, क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? डायरेक्टर है सर, डायरेक्टर है। हाँ, उनका टीचर ने डायरेक्टर है। हाँ सर, डायरेक्टर होके बिना वजह पूछने से पूरा स्टाफ को डायरेक्ट करने वाला है ये जो अभी मारा है। हाँ सर। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास में पढ़ते हैं आप? हाँ, 8th क्लास में स्टडी करते हैं। अभी जो आपको यहाँ पे टीचर ने बहुत बुरी तरह से पीटा है, हाँ, तो क्या हुआ पीटने के बाद, आपको मारने के बाद? मुझे एक्चुअली बिना वजह से मारा हुआ। नहीं, बिना वजह से तो मारे आपको, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, हुआ क्या आपको, आपके साथ क्या हुआ मारने के बाद, क्या आपको चोट आई है? चोट बहुत आई है। कहाँ पर चोट आई है? लेग में आया है। इसका कुछ रिपोर्ट वगैरह मेडिकल टेस्ट हुआ क्या? मेडिकल टेस्ट में आया है, ये बोन में थोड़ा कट आया हुआ है। क्रैक हुआ है? हाँ, कट आया थोड़ा बोन। कितने दिन पहले मारा गया एग्जैक्ट आपको यहाँ पे? एग्जैक्ट 30th of July। हाँ, 30th of July को। तो ये जो आपको पीटा गया, मारा गया, तो अभी पुलिस स्टेशन में FIR वगैरह दर्ज करे आप? कितनी देर लगी जब आप FIR दर्ज करने गए, तो कितना टाइम लगा आपको वहाँ पे? 8 hours FIR के लिए लगे आपको? कितनी देर तक क्यों फिर आया गया? इतनी दिन, इतना देर क्यों लगे FIR दर्ज करने के लिए? क्या कुछ रिकमेंडेशन आ रहा है ऊपर से? तो हॉस्पिटल में कुछ एडमिट वगैरह भी थे आप? हाँ, 4 days एडमिट था। 4 days अभी आपकी हालत कैसी है? अभी भी वैसे ही है, चल नहीं पाता हूँ। कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट था? कौन से? ब्रिम्स हॉस्पिटल। कौन से टीचर ने मारा आपको? डायरेक्टर ने मारा है। उसका नाम? मुनेश्वर लाका। कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं सर? ज्ञानसुधा विद्यालय। ज्ञानसुधा स्कूल विद्यालय में जो पढ़ते हैं आप, कौन से एरिया का है स्कूल? मामनखेरी ब्रांच में पढ़ते हैं आप? हाँ। इसी ब्रांच में पढ़ते हैं जहाँ पर खड़े हैं आप? हाँ। तो अभी ये बताइए सर, आपको जहाँ पे मारा वहाँ पे कुछ CCTV फुटेज वगैरह नहीं है वहाँ पे कुछ? यानी ऐसे रूम में ले जाके मारे आपको जिसमें कोई सोबत ना मिले? प्री प्लान था? पर वो चेम्बर था उनका, उनके चेंबर में कैमरा नहीं है। आपको बुला के मारा है? बुला के मारा है, बुला के मारा है। क्लास में से पकड़ के नहीं लगे? नहीं नहीं, बुला के मारे। हाँ। रीजन कुछ? रीजन एक्चुअली एक लड़का है, उस लड़के ने एक लड़की को लेटर दिया था, जब वो लड़की पकड़ी गई तो चेंबर में उसने मेरा नाम लिया था। जब सर ने मुझको बुलाया और कहा तुमने लेटर दिया, मैंने बोला नहीं, और वो बिना मेरी बात सुने वो उसको मारने शुरू। अच्छा, जो बच्चे ने लेटर दिया उसको नहीं मारे? नहीं, आप एक मिनिटर की तरह काम गलती से कर लिए, मगर जो मेन मिस्टेक, जानबूझ के मारा गया? नहीं नहीं सर, देखो गलती बच्चों की है, बच्चे गलतियां करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम छू सकते हो किसी को भी, ठीक है? गलती जो भी हो, बिना पूछे, बिना
इन्वेस्टिगेट किए गए हैं, वो लोग बस मारे हैं, ठीक है, और हॉस्पिटल में 4 दिन, ये बहुत बड़ी बात है। हम पे प्रेशराइज भी हुआ बट पुलिस हमारे साथ थी द होल टाइम, और हमारा फॉर्म डिसीजन था कि हमें एफआईआर दर्ज करना ही करना है, कंपनसेट करने के लिए आ रहे थे कि फ्री एजुकेशन दे देंगे। हमने चाइल्ड अब्यूज का ही लगा हुआ है, हम इतना बुरी तरीके से पीटा गया है 15 साल के बच्चों को, आप क्या ट्रॉमा होगा सोचो, बच्चे में नींद में रो रहा है कि सर मैंने गलती नहीं की, हो रहा है अभी पंचनामा हुआ है यहाँ पे, हम उसी लिए आए। क्या उम्मीद है आपको, क्या होगा आपके साथ? मैं कोर्ट लेके जाऊंगी उसको, मैं छोड़ूंगी ना, हम पढ़े लिखे हैं और हम ये सब कचरा पट्टी में नहीं आने वाले। क्या रिश्ता है बच्चे का आपके साथ? मैं इसकी मौसी हूँ। आप क्या करते मैडम? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यानी कि आप इंसाफ चाहेंगे? बिल्कुल हाँ सर, बहुत चीजें ऑफर की गई बट हमने किसी का नहीं माना है और हम मानेंगे भी नहीं। अच्छा, ये बताइए अभी के दूसरे भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या ये भी जोखम में इसी तरह? हाँ, सब लोग डरते हैं, बहुत लोग मार भी खाए हैं, इसी हर बार यही आता था, हाथ में सुजा के लेके चम्मच से खा रहा है कि खा नहीं पा रहा हूँ ये। फिर बाकी बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी पूछा था, इसने बोला सारे बच्चों को ऐसे ही मारते हैं। ऐसा हादसा बहुत बार इस स्कूल में बहुत बार हुआ है, सबने बस टीसी चेंज किया, दूसरे स्कूल में डाल दिया और बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें इनसे भिड़ना नहीं है। क्या था कि कोई दूसरे स्कूल में इनको भी ऐसा डाल दिया जाएगा, ऐसे हादसे से बार बार हो रहे हैं? हाथ पे पा रहे थे, मैं बोली चलो ठीक है, छोटा इंसिडेंट है, एक बार हुआ दो बार हुआ, जब ये चीज हुआ मैं बोली ये टॉलरेट नहीं होगा। अभी जैसे हम इधर से गुजर रहे थे तो पता चला कि इस जो ज्ञानसुदा स्कूल है इसके अंदर कुछ बच्चों को जो लेक्चरर से ऐसे मारा गया है बच्चे को बोलकर। तो जब यहाँ पे आके देखा है तो रियलिटी इज डिफरेंट वन, कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों के साथ। ये एक ही स्कूल ने, बीदर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल है इस तरह के घटनाएं डे बाय डे घटता ही जा रहा है। ये हम लोगों ने भी CYSS के तरफ से, छात्रीय युवा विद्यार्थी संघर्ष के समिति के तरफ से कई बार इसका विरोध में हमने विरोध किया है, पर इसके बारे में कुछ अभी ये बीदर डिस्ट्रिक्ट में जो ए ग्रेड ऑफिसर्स और बी ग्रेड ऑफिसर ये जैसे लगता है कि सो गए हैं। तो क्यों बना हुआ है ये माहौल ऐसा सर? सर अभी ऐसा हो रहा है कि ये लोग जो कॉलेजेस और स्कूल्स है इन लोग क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर दबाव डालने का कोशिश करते हैं जिससे कि इन लोग डर जाए, और जो आगे आने वाला है कि ये डर के इन लोग है ना चुपके बैठ जाएंगे, इसके बाद ये आगे कुछ होगा नहीं, इसलिए इन लोगों को डराने का काम चलता है। लेकिन अभी ये जो इस तरह का जो किस्सा हुआ है, जो इन्होंने बहादुरी से दिखाकर जो केस कंप्लेंट रजिस्टर किया है, इसके साथ हम लोग है, इस बार हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे एंड वी विल गो फॉर द कोर्ट। वो तो कोर्ट जा रहे हैं लेकिन हम आप इनका समर्थन करेंगे। यस 100% समर्थन देंगे इनके साथ, और आगे आने वाले दिनों में जो है बीदर डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं ऑल ओवर कर्नाटक में कहीं पे भी बच्चों के साथ इस तरह का जो घटना नहीं होना चाहिए। यस 100% आई मीन द सपोर्ट सर, 100% सर इनके साथ जो है, जहां तक इन लोग जाते हैं कोर्ट तक हो सकता है, ये यहाँ पे अगर से कोर्ट में हार भी जाए तो हाईकोर्ट तक भी हम इनको सपोर्ट करेंगे। और यहाँ इतना ही नहीं, इसके खिलाफ में जो है, खिलाफ में जो है, जो इस तरह का बर्ताव हो रहा है बीदर डिस्ट्रिक्ट में, इसके खिलाफत में हम कंप्लेंट भी करेंगे। सपोर्ट करने के बाद yes, 100% उसके बाद में जो ये घटना आगे ना हो उसके लिए क्या करेंगे आप? सर उसके लिए अभी जो कानून बना हुआ है कि बच्चों के साथ है ना, यानी कि जो 10 जो अभी एक हेल्पलाइन नंबर है 1081 वाला जो हेल्पलाइन है, उन लोग भी सोके हुए हैं। अभी उन लोगों को भी हम लोग इसके बाद रिपोर्टिंग करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। मामले में कल आए थे सर, सर आए थे सर, लेकिन अभी है ना उनको क्या है कि ये कॉलेज वाले धमकाए होंगे, कई दूसरे लोगों से फोन किया होगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली अप्रोच होंगे। अगर से उन लोग भी इनके साथ कुछ मिले हुए हैं तो उनके ऊपर भी हम लोग क्या है कंप्लेंट देने के लिए तैयार है। आपका नाम? अरविंद वी सुंदरकर, CYSS छात्रीय युवा विद्यार्थी संघर्ष समिति, बीदर डिस्ट्रिक्ट संयोजक।